हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे। और मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 5.2 का जो पहले के कुछ प्रश्न बचे हुए हैं उनको हम इस वीडियो में बताने वाला हूं। हमारा तीसरा प्रश्न बचा हुआ, तीसरे में देखिए क्या दिया है। तीसरे में दिया है ए का मान मुझे ज्ञात करना है। तीसरा प्रश्न है बच्चों ये, पहले का कौन सा है, तीसरा दिया है जिसमें मुझे ए का मान ही निकालना, क्योंकि ए के जगह पर क्या दिया है, खाली स्थान दिया है। ठीक है, ए के जगह पर क्या दिया है, खाली स्थान, तो ए का मान मुझे नहीं पता है। और डी का मान दिया है माइनस का 3, तो डी बराबर लिख देंगे बच्चों माइनस का 3 लिख देंगे। ठीक है, और हमारा एन बराबर दिया है 18, एन का मान मैंने 18 कर दिया, एन बराबर हमारा 18 कर दिया। और ए एन बराबर 0, सॉरी एन का मान माइनस का 5 दिया, ए एन का मान माइनस का 5 दिया। एन का मतलब एनमा पद कितना होगा इसमें, बताओ बच्चों एनमा पद कितना होगा, एन कितने हैं इसमें, एन का मान कितना है बच्चों 18, तो 18वां जो पद है वो माइनस का 5 है। 18वां पद कितना दिया है, माइनस का 5 दिया है। ठीक है, तो एनमा पद का फार्मूला लिखेंगे, एनमा पद का लिखेंगे ए बराबर एन बराबर एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन के जगह पर मुझे 18 कर देना है, बराबर लिखेंगे, और ए का मान मुझे नहीं पता, सेम लिखेंगे एन का मान 18 माइनस 1, और डी का मान दिया है माइनस का 3। 18वां पद हमारा माइनस का 5 है, लिख देंगे, ए का मान नहीं पता हमारे पास 17, 17 कितना हो जाएंगे, यहाँ लिखेंगे 17 और गुणे माइनस का 3, माइनस का ये 5 हैं बराबर ए 17 51, ये माइनस के हमारे 51 हो जाएंगे। बच्चों जैसे इसको हम पक्षांतर इधर कर देंगे, ये हमारा काहे का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, चिन्ह यहाँ डिफरेंस से घटा देंगे, तो भैया 51 में से हमारे 5 घटा दो तो कितने बचेंगे, 46 बचेंगे ना, तो ए का मान हमारा 46 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया बच्चों, ए का मान हमारा 46 आ गया। ठीक है, सारे बच्चे इस प्रश्न को नोट कर सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न इसका दिया है, अब कि हमारा चौथा प्रश्न दिया है, ए बराबर दिया है माइनस 18.9 और डी का मान दिया है 2.5, एन निकालना है इसमें बच्चों, क्या निकालना है इसमें, तो मुझे एन का मान निकालना है। एन का मान कैसे निकलेगा, सबसे पहले देखिए जो दिया है पहले उसे लिखो। ये चौथे सवाल में दिया है ए बराबर दिया है माइनस 18.9, डी बराबर दिया है 2.5, एन नहीं पता, ए एन दे दिया है 3.6। तो फार्मूला बच्चों मुझे वही लगेगा, एन में पद का फार्मूला लिखेंगे, क्या होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन के जगह पर कितना बच्चों कितना रखना है, 3.6 बराबर ए का मान दिया है माइनस का 18.9, एन का मान नहीं पता है, डी का मान 3.6, मान पुट कर दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ 3.6 हैं, इसको हम पक्षांतर कर लेंगे। जैसे ही पक्षांतर करेंगे भैया प्लस में हो गया, क्या हो गया बच्चों, प्लस में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, पक्षांतर करने पर संख्या का चिन्ह बदल जाता है। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, इसको हम जोड़ देंगे, 9 और 6 हमारे 15, हासिल 1, 8 और 9 10 11 1 12 हासिल 1, 1 1 2 1 संख्या बाद हम पॉइंट लगा देंगे, एन माइनस 1 गुणे 3.6 22.5, ये हमारा काहे में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, यहाँ एन माइनस 1, यहाँ एक संख्या पॉइंट, यहाँ भी एक संख्या पॉइंट दी है। अब हम क्या कर देंगे बच्चों, ये कटने वाला है तो काट दो, किससे कटेगा, कोई संख्या कटने वाली है, नहीं कटने वाली है, अगर कटने वाली है तो हम काट देंगे। वैसे ये किससे कटेगी, 5 से कटेगी, जबकि हमारा 3.6 5 से नहीं कटने वाला है। ठीक है बच्चों, हम क्या करेंगे, 3.6 डी का मान कितना है, ओहो पूरा सवाल ही गलत कर दिया बच्चों, पूरा सवाल गलत कर दिया है पूरा सवाल, क्योंकि जहां पर ये डी दिया है 2.5 है, जबकि हम लोगों ने डी के जगह पर 3.6 कर दिया, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको बदल दो,
इसका क्या करेंगे, डी के जगह पर रख देंगे, कितना कर देंगे 2.5, यहाँ भी कर देंगे 2.5, ठीक बदल दो सभी लोग 2.5, तो बटे में भी हमारा 2.5, यहाँ से पॉइंट हमारा ये 25 नियमा 225 होता है। तो 9 बराबर n माइनस 1, 9 जैसे ही 1 इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, ये n बराबर कितना हो गया 10, ठीक है। इस तरीके से हम इन प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आखिरी प्रश्न मेरा दिया है बच्चों, आखिरी प्रश्न है, लास्ट वाला, देखें कैसे लगेगा। अगला प्रश्न दिया है a का मान 3.5, ये तो हो गया क्या, नहीं हुआ। a का मान 3.5, a का मान 3.5 है, d का मान बच्चों कितना है 0, और n बराबर दिया है 105। मुझे a n निकालना है, क्या लगाएंगे फार्मूला, ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी रख देंगे, ठीक है। ए एन का मान मुझे ज्ञात करना है, जबकि एन का मान है कितना 105 बराबर ए के जगह पर 3.5, एन के जगह पर 105 माइनस वन और गुणे में 0, 105 बराबर 3.5, इस 0 की सभी से गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा 0 तो बचेगा, तो भैया हमारा 105 पदों का जो हमारा यनमा पद आएगा वो 3.5 ही आएगा, ठीक है, 3.5 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इन प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद ही आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल को अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है बच्चों, धन्यवाद।